धन्यवाद। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बीरनपुर में सुलगी सांप्रदायिकता की आग भले ही शांत हो गई हो, लेकिन सियासत की आग अभी भी सुलगी हुई है। आज विधानसभा में जिस तरह से बीरनपुर मामले में दोषियों पर कार्रवाई की आवाज उठी, उसे एक बात तो साफ है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीरनपुर फिर से जिंदा हो गया है। इस पूरे विषय पर आज क्या हुआ विधानसभा में, इस पर एक रिपोर्ट देखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको और मैं बताना चाहूंगा, आज सदन में गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह कहते हुए सीबीआई जांच की घोषणा की कि पिता के नाते ईश्वर साहू की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जवाब में ईश्वर साहू ने भी धन्यवाद दिया और यह कह दिया कि पिछली सरकार से भी उन्होंने जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उसकी मांग को स्वीकार नहीं किया। या तो सदन में हुई सियासत की बात थी, लेकिन हकीकत में क्या इसके पीछे इलेक्शन पॉलिटिक्स नजर नहीं आ रही है? जब खुद गृह मंत्री ने कह दिया कि दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, एफआईआर में 40 से ज्यादा नाम दर्ज हैं, कुछ को जमानत भी मिल चुकी है, ऐसे में सीबीआई के पास जांच में क्या कुछ रह जाएगा? वह भी ऐसे समय जब पुलिस इस मामले को लेकर विभिन्न स्तरों पर पहले से ही जांच कर रही है। जब पुलिस की जांच को खुद गृह मंत्री ने बेहतर माना है, तो फिर सीबीआई के पास जांच के लिए इस मामले को भेजने का औचित्य क्या है? क्या कहीं साहू समाज को लोकसभा चुनाव के पहले अपनी तरफ करने की कोशिश तो नहीं है? वह भी इसलिए क्योंकि क्वांटिफाइबल डेटा को जो रिपोर्ट लीक हुई थी, उसमें साहू समाज की ओबीसी वर्ग में सबसे बड़ा वोट बैंक है, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर नजर आ रहा था। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं कि इस पूरे मामले में आखिरकार सीबीआई जांच केवल न्याय दिलाने के लिए है या फिर इलेक्शन पॉलिटिक्स तो नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, बहुत बड़े विश्लेषक हैं और सीधे तौर पर राजनीति के साथ साथ बीरनपुर घटना को बहुत नजदीक से देखा है इन्होंने। हमारे साथ सुरेन जी हैं, सुरेन वर्मा साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं इनका। के एस चौहान साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। चौहान साहब, थोड़ा सा तीन महीना, एक मेरे ख्याल से 3 दिसंबर से 3 जनवरी, 3 फरवरी और 3 मार्च आ रहा है भाई। अब आप लोग सत्ता में आ गए, विपक्ष में नहीं है, पुलिस आपकी है। चौहान साहब, अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई को सौंप दिया पूरा मामला। चौहान साहब, आदित्य जी, सबसे पहले मैं 2019 में लेके चलता हूं आपको। 2019 में भिलाई में एक सीबीआई ने 20,000 लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था एक अधिकारी। उस समय से जब सीबीआई ने बोला कि ये जो राज्य सरकार है इसकी बहुत अच्छे से जांच करे, तो सीबीआई को बैन कर दिया राज्य सरकार ने। तब से 2019 से लेकर अभी तक बैन रही। क्यों? क्योंकि न्याय की आप पारदर्शिता चाहते नहीं है। आज ये सवाल सिर्फ एक पिता ने न्याय नहीं मांगा है एक पुत्र की हत्या के लिए, एक समाज ने, एक आम इंसान ने भी न्याय मांगा है। और इसी के चलते वो उनको आशीर्वाद दिया था कि आप जाए, क्योंकि ये एक जनता की मांग थी कि ऐसा ये अन्याय हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट क्या आती है आदित्य जी, आपने पढ़ के हम शर्मसार हो जाते हैं। एसआईटी ये बोलती है कि वहां पर ऐसा कोई दंगा उतना ज्यादा नहीं हुआ था, ये हवा दी गई है। हवा क्या दी गई है? और ये बोला गया है कि वहां से कोई हथियार मिला ही नहीं, जबकि हमने कई वीडियोस ऐसे देखे हैं कि धारदार हथियार और जो खराब हथियार थे वो पाए गए हैं, ऐसे वीडियोस आए हैं, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट ऐसे बोलती है। एसआईटी की रिपोर्ट 7 हिंदुओं को वहां पर कटघरे में खड़ा करवा देती है, जिससे वहां पर जो जज है उनको जज ने फटकारा और बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पारदर्शिता चाहते ही नहीं थे इसी वजह से। और इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि जांच हो रही है, इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है। चौहान साहब, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ पा रही, गेस्ट के पास नहीं आ पा रही। मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम एक बार देखे कि आवाज क्यों नहीं आ पा रही है। तब तक मैं सुरेन जी के पास चलता हूँ। सुरेन जी, अब तो आप लोग की खैर नहीं है, बोल रही है भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच करेगी पूरे मामले में। लगातार 2 बड़े मामलों में सीबीआई जांच की घोषणा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बता दें कि अपने गृह विभाग के ऊपर इनको भरोसा नहीं है, या जो एसआईटी गठित की गई है उस पर भरोसा नहीं है, या जो बयान दे रहे हैं प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी,
उस पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं। सबसे प्रमुख बात जो है वो अजय चंद्राकर वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उसके सवाल पर आया आदित्य जी, जिस पर ये सरकार मौन रही। साय सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जो दो हत्याएं एक हत्या के बाद में हुई वो क्या घटना की प्रतिक्रिया थी पहले घटना की या फिर कोई साजिश। तो अजय चंद्राकर जी का जो सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का पर्दाफाश करती है। ये बताएं कि सीबीआई जांच की ये बात कर रहे हैं, क्या इसमें वो तथ्य शामिल रहेगा, वो एंगल शामिल रहेगा कि क्यों जो एक घटना होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जो है वहां के लिए भीड़ लेके निकले, उनकी उपस्थिति में आगजनी की गई, भीड़ के द्वारा वाहनों को फूंका गया, उसके बाद दो हत्या की गई, तो क्या उस एंगल से सीबीआई जांच करेगी। और जिस तरह से आपने कहा, देखिए सीआरपीसी में 164 का प्रावधान है, यदि ये संतुष्ट नहीं थे तो मजिस्ट्रेट के सामने जाके अपना बयान दर्ज कराते, यदि अन्य आरोपी इनके जो बयानबाजी में जो सामने आ रहे हैं यदि कोई अभियुक्त का नाम छूटा है तो वो परिवाद पत्र प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन केवल और केवल जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा कि अब लोकसभा चुनाव सामने है और बड़े वर्ग को साधने के लिए एक बार फिर से नफरत का माहौल फैलाने के लिए इस प्रकार से ये कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये बताएं एसआईटी की जांच को ये सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे, सदन के भीतर रखे पटल पे, क्या आया उस एसआईटी के जांच में और इनकी संलिप्तता कितनी है वो भी साबित हो। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार से भ्रम फैला रहे हैं, इस प्रकार से ये बार बार सवाल लगा के उसका जवाब ये खुद ही पास पास खेल रहे हैं। इन्हीं के सदस्य सवाल लगाते हैं, इनके फिर मंत्री जवाब देते हैं और इन्हीं के वरिष्ठ जो नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, उनके सवाल पर इनके मुंह में दही जम जाता है। जो अजय चंद्राकर के सवाल का जवाब नहीं है। एक बार ऑडियो चेक करा तो चौहान साहब आपकी आवाज एक बार कहेंगे मुझे आ रही कि नहीं, एक बार कुछ बोलेंगे। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी चौहान साहब मैं ये बोलना चाहता हूँ आदित्य जी, बहुत ही बेशर्मी से सुरेंद्र जी ने आज ये बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है। होम मिनिस्टर होते हुए वो घटना में नहीं गए, जिसकी निंदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं वहां के सभी लोगों ने की है, यहां तक कि पूरे छत्तीसगढ़िया ने शर्मसार किया है, छत्तीसगढ़िया को शर्मसार किया है। साहू समाज का होते हुए भी, साहू समाज के पहले आप एक होम मिनिस्टर है, आप एक जनप्रतिनिधि है, आपका दायित्व तो बनता था वहां पर जाने का, आप लुक के बैठे हुए थे, आप मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, मुख्यमंत्री वहां पर नहीं जा रहे थे, वहां पर मीडिया लोगों को भी जाना बंद कर दिया गया था, नहीं जाने दिया, पुलिस वालों ने वहां पर रोक के रखा। और एसआईटी की रिपोर्ट कब आई? एसआईटी की रिपोर्ट आपके कार्यकाल में आई। एसआईटी की रिपोर्ट से सब सरासर बता रही थी कि आप लोगों ने वहां पर पक्षपात किया है, पारदर्शिता की कमी है, निष्पक्ष वो जांच नहीं है, इस वजह से सीबीआई की जांच की गई है और सीबीआई की जांच होकर रहेगी, क्योंकि आप पारदर्शिता लाना नहीं चाहते। आपकी प्रॉब्लम एसआईटी का नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। पर्याप्त समय दूंगा ये सवाल पे, मैं आऊंगा, आपकी आवाज बहुत क्लियर मिल रही है और बहुत मैं उम्मीद करूंगा सुरेंद्र जी भी आपकी बात का जवाब बहुत जल्दी देंगे। पहले मैं चलूंगा चंद्राकर सर के पास। बीरनपुर मामले में सीबीआई की घोषणा, जांच की घोषणा न्याय दिलाने की कोशिश है चंद्राकर साहब, या आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा दांव, या फिर साहू समाज के वोट बैंक हथियाने की कोशिश? चंद्राकर साहब आपके इस प्रश्न में तीन बिंदु हैं आदित्य जी। पहली बात तो यह है कि सीबीआई जांच, लेकिन सदन में गृह मंत्री जी पुलिस के जांच की तारीफ भी किए हैं। बिल्कुल। तो दूसरी बात आती है सीबीआई जांच इनकार नहीं है, वो जांच एजेंसी आप करवा लीजिए, लेकिन वो एक समय सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और दोनों पक्ष जो भी वहां पीड़ित पक्ष रहे। देखिए संप्रदाय भारत में या विश्व में अच्छी बात है, लेकिन संप्रदाय के आड़ में सांप्रदायिकता अगर दिखाई देती है या दृश्य में होता है तो इसका फिर कह सकते हैं कि फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता। तीसरा जो प्रश्न है आपका कि साहू समाज एक बड़ा वोट बैंक, 1818 में कर्नल इग्नू जब यहाँ के सुपरिंटेंडेंट बनकर के आए छत्तीसगढ़ के, उस समय पहली बार सेंसस हुआ था और उस सेंसस में साहू समाज की आबादी लगभग 7% थी और वो लगातार फिर अन्य प्रांतों के लोग भी आए। साहू समाज 7 प्रकार के क्लासिफिकेशन में बटे हुए हैं, तो यह तो एक लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से यह बात है, लेकिन घटनाएं बहुत घटी हैं छत्तीसगढ़ में और हम बस्तर को भी नहीं भूल सकते या फिर पुराने सरगुजा को भी। ठीक। तो ऐसे वहां भी पीड़ित लोग रहे हैं, भविष्य में सदन में क्या यह अपेक्षा की जाएगी कि
पुलिस की जांच के बजाय सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा। अगर ऐसी बात आती है तो फिर भावना अपनी जगह है लेकिन विधि का शासन अपनी जगह है। और इसमें आदित्य जी आपका जो प्रश्न है, उस समय जो जब घटना घटी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या अपने अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को रख पाए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जी चौहान साहब, एक आपने इसके पहले भी सीबीआई जांच की घोषणा की थी, शायद याद होगा आपको, पीएससी मामले में क्या हुआ साहब उसका? छत्तीसगढ़ में तो हम लोग यही देखते रहे कि राज्य सिफारिश भेजता है, सीबीआई उसे स्वीकार करती अस्वीकार करती, हफ्ते भर में स्थिति क्लियर हो जाती है। महीना भर गुजर गया चौहान साहब, आपको पता चला कि क्या हुआ पीएससी मामले का अभी तक? आदित्य जी, सीबीआई की जांच की मांग की गई है और सीबीआई की जांच जहां पर मांग की गई है जो उचित होगा सीबीआई के लिए, उसमें 100% छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार बहुत ही अपनी गंभीरता से अपने दायित्व से सीबीआई की जांच एक एक चीजों में करवाएगी, एक एक चीजों में। ये विष्णु ये भूपेश बघेल की सरकार नहीं है कि सीबीआई को बैन करके रख दिया, सीबीआई को बैन करके रख दी। और आदित्य जी, इन्होंने बेशर्मी की हद कर दी है, अपने अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए इन्होंने एसीबी को भी काम नहीं करने दिया। एक भी आप प्रकरण बता दीजिए एक एसीबी का जिन्होंने रंगे हाथों कभी पकड़ा हो पिछले 5 साल में। और रमन सिंह की सरकार में आप देख लीजिए कि एसीबी को खुला छूट दिया गया था, जो भी भ्रष्टाचार करता है आप जाकर रंगे हाथों पकड़िए, लेकिन एक भी प्रकरण एक शिकायत तक नहीं हुई एसीबी की। ये शर्मनाक की शर्मसार करने वाली बात है, एक भी उठा के देख लीजिए पिछले 5 सालों में चौहान साहब एसीबी का कौन सा प्रकरण किया, सीबीआई को बैन कर दिया। चौहान साहब, चौहान साहब, मुझे ऐसा लगता है भूपेश बघेल जी नरेंद्र मोदी से बहुत इंस्पायर हैं। ईडी जो है वो आपके नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती और एसीबी इनके नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र जी सच बताइए, बीरनपुर आप लोग की लापरवाही का परिणाम था, और लापरवाही नहीं थी तो रविंद्र चौबे विधायक मंत्री रहते हुए आखिर बीरनपुर क्यों नहीं गए, सिर्फ इस बात का आप जवाब दे दीजिए। आदित्य जी, प्रशासन यदि तत्पर नहीं होता तो इनकी तो तैयारी थी पूरे प्रदेश को जलाने की, जगह जगह पूरा बस्तर से लेकर सरगुजा तक ये भाजपाई जो है दंगाई की भूमिका में देखे गए। हमारी तो ये मांग है कि भीड़ को उकसाने वालों पर क्या सीबीआई जांच करेगी, और केंद्रीय एजेंसियों का जो ट्रैक निकाला है मुख्यमंत्री सुन लीजिए, आप ये गंद फैलाना छोड़ दीजिए, आपका ये सांप्रदायिक स्लीपर सेल जिस तरह से सुन लो झीरम मामले में विधानसभा के भीतर घोषणा किया गया है तत्कालीन मुख्यमंत्री की आवश्यक थे। कितने दिन बाद सीबीआई को जो प्रस्ताव खारिज करने की सूचना देने में, तो ये बताए कि भीमा मंडावी का जो इनकी पार्टी के नेता थे, इनकी पार्टी के दंतेवाड़ा के विधायक थे, 5 साल से उनके परिवारों को न्याय दे पाई, 11 साल से झीरम मामले में, अरे गंध फैलाना छोड़ दो, चप्पाजी कर लिए, डूब मरना चाहिए इन भाजपाइयों को, इनके खुद के विधायकों को अपने न्याय के लिए ध्यान आकर्षण लगाना पड़ रहा है। उसमें विधायक क्यों नहीं बना रहा, यदि नैतिकता है तो ये समय इस्तीफा दे और सब आपके परिजनों को चौहान साहब मैं आऊंगा आपका। जी सुरेंद्र जी, ठीक सुरेंद्र जी, क्यों अन्याय कर रही है, बिल्कुल इसका जवाब लूंगा मैं। चंद्रका साहब, साहू समाज एक बड़ा वोट बैंक है, चलिए साहू समाज को छोड़ देते हैं, ओबीसी की पॉलिटिक्स तो लोकसभा हो या विधानसभा हर समय चलती है, क्या सीबीआई जांच की सिफारिश बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया लग रहा है लोकसभा के लिए, वह भी तब जब कांग्रेस और बीजेपी में ओबीसी को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई। आपको याद होगा राहुल गांधी जब रायगढ़ पहुंचे हुए थे तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था नरेंद्र मोदी तो ओबीसी है ही नहीं। चंद्रका साहब देखिए, बहुत गंभीर प्रश्न है आदित्य जी। रही बात साहू समाज का, तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में चूंकि प्रदेश अध्यक्ष साहू जी थे इसलिए साहू समाज की सिंपैथी बीजेपी के तरफ थी, लेकिन दूसरे पक्ष की हम चर्चा करें, उम्मीद थी उनको सीएम बनाएंगे। जी दूसरे पक्ष की चर्चा करें तो ओबीसी वर्ग के अन्य वर्ग जो हैं वो ये चाहते हैं कि जब भी सेंसेस हो ओबीसीयों की भी गिनती हो, जातिगत जनगणना हो, तो ये उसका एक काउंटर है। और तीसरी बात है
छत्तीसगढ़ में जैसे आप राहुल गांधी जी का आप उदाहरण दिए, और प्राइम मिनिस्टर स्वयं कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूं, पर्टिकुलर एक जाति का नाम लिए, और उस जाति के संगठन में भाग लेने के लिए, सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए उनके बड़े भाई भी आए और एक मैडम भी आई हुई थी रायपुर छत्तीसगढ़। तो ये एक वर्ग तक हुआ, लेकिन अन्य वर्ग भी हैं ओबीसी में। और महत्वपूर्ण यह है कि जाति जनगणना और साथ ही साथ क्या है कि ये एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कास्ट में जिनका एक पार्टी को काफी सपोर्ट मिला विधानसभा चुनाव में, ये तो है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ जिस तरह से शांति प्रिय राज्य है, एक पर्टिकुलर पेच में इस तरह की घटना घट गई। सब चाहते हैं जो भी पीड़ित हैं दोनों पक्ष के, उनके साथ न्याय हो, यह तो सब चाहेंगे, लेकिन न्याय दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी है। चौहान साहब, सीबीआई जांच की जरूरत इस मामले में क्यों पड़ी? भावनाओं से काम नहीं चलता, घटनाएं पहले भी हुई, निश्चित तौर पर घटनाएं आगे भी होंगी। आपकी पुलिस ने जांच भी की, अच्छा काम भी किया, खुद गृह मंत्री ने कहा सदन के भीतर कि बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, मतलब ईश्वर साहू की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। तो क्या भावनाओं का सम्मान करने के लिए सीबीआई जांच, केवल बीरनपुर के लिए सीबीआई जांच? ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें सीबीआई जांच की जरूरत थी। सादराम वाला तो जीता जाता उदाहरण था कि उसमें से एक बंदा कश्मीर गया, वहां के मिलिटेंट से बात हुई, उसके ऊपर बड़ा आतंकवादी विरोधी कानून पहली बार छत्तीसगढ़ में लगा किसी के ऊपर, तो भाई ये तो और जांच का दायरा बढ़ाता, इसमें सीबीआई जांच की आप कर देते सिफारिश। लेकिन केवल बीरनपुर मामले में, और चूंकि भावनाएं आहत हुई है, क्या भावनाएं आहत होने पर सीबीआई जांच? चौहान साहब, आदित्य जी हर सीबीआई अगर जांच की जाती है तो उसके भी संवैधानिक कोई नॉर्म्स है। आप कोई भी चीजों को, अगर आप हमारा 50 रुपए घूम गया है तो हम सीबीआई की जांच नहीं करवा सकते। अगर ये एक वहां की समुदाय की बात है, सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है, सभी की सुरक्षा की बात है, सभी की भावनाओं की बात है, सभी के मतलब दायित्व की बात है। आज एक बात बताइए, आज बीरनपुर में क्या भारतीय जनता पार्टी के ही सभी कार्यकर्ता हैं? भारतीय जनता पार्टी में बीरनपुर में साजा में आज जो ईश्वर साहू जी को आशीर्वाद दिया गया, वो किस किस लिए दिया गया? आज वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं निष्पक्षता आए, और यही इन्होंने पूरी तन्मयता से काम नहीं किया। आज ताम्रध्वज साहू जो उसी जिले में रहते थे वो भी नहीं गए, आज मुख्यमंत्री भी उसी जिले के थे वो भी नहीं गए, ये क्या दर्शाता? रविंद्र चौबे जिनका आपने नाम लिया वो भी नहीं गए, ये क्या दर्शाता है? इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। आदित्य जी, जो गलत करेगा जनता सब जानती है, वो कहीं की भी हो। और दूसरी बात ये है कि आप बोलते हैं कि ये वाले केस में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, दूसरे केस में होनी चाहिए, तो सीबीआई की जांच करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार या केंद्र सरकार ही नहीं, दूसरे भी हमारे बहुत सारे रास्ते हैं जहां पर से हम सीबीआई की मांग करवा सकते हैं, अदालत में भी जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई अदालत में गया, ऐसा कोई नॉर्म्स है कि जो सिर्फ राज्य सरकार की सिफारिश नहीं, दूसरे भी हम रास्ते से जा सकते, ऐसा क्यों नहीं हुआ? जो भी नॉर्म्स होगा भारतीय जनता पार्टी उसको फॉलो करेगी, संविधानिक के संविधान के हिसाब से जो भी होगा बिल्कुल वो किया जाएगा, जो सीबीआई के लायक होगा वो सीबीआई के हवाले किया जाएगा, आज नहीं कल किया जाएगा। इसके प्रक्रिया होती है, बिल्कुल प्रक्रिया हो जाएगी, उसको सभी चीजों को सीबीआई के हवाले किया जाएगा अगर वो केस उसके लायक है तो। ठीक है सुरेंद्र जी, सीबीआई जांच का आप समर्थन करते हैं या आप इसके विरोध में हैं? और ऐसा लगता है कि उस समय जो आपके मंत्री थे, अगर बीरनपुर चले जाते, कड़ी कार्रवाई हो जाती, तो शायद आपके मंत्री विधायक आज होते और विरोध भी इतना नहीं होता कांग्रेस सरकार का, जिसके चलते बेमेतरा की सभी सीट आपने गंवा दी। सुरेंद्र जी, आदित्य
आदित्य जी, बीरनपुर मामले में प्रशासन ने तत्परतापूर्वक समुचित कार्रवाई की, उसका उदाहरण है कि 12 लोगों के खिलाफ तत्काल FIR हुए, 40 लोगों के नाम हुए, उसमें उनको जेल भी भेजा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक राजनीति करती है, ये राजनीतिक गिद्ध की भूमिका में आ गए थे। और जिस तरह से आपने देखा, आज जो अजय चंद्राकर जी का सवाल है, जांच बिंदु में वो शामिल क्यों नहीं, क्यों इनके मुंह में दही जम गया कि भाजपा के षड्यंत्र की दिशा में क्यों जांच नहीं करेंगे। मूल बात है ये सवाल तो मानते ही नहीं, ये संघियों की कल्पना के आधार पर जांच चाहते हैं। ये साधारण की हत्या में उनके परिजनों ने इनको आईना दिखाया, जो प्रदेश के गृह मंत्री 5 लाख रुपए लेकर सौदा करने गए थे, उनके मुंह में साधारण के परिजनों ने फेंक मारा। तो ये न्याय जो है, जब तक समय सीमा तय नहीं की जाएगी, अरे मैंने बचाना चौहान जी, ऐसा बात नहीं होगा, बीच में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है, देखिए ये कैसे राजनीति करते हैं। इस वर्ग का ये जिस वर्ग का होने से ढोल करते हैं। 2000 मोदी देश के प्रधानमंत्री खुद ही अपने वर्ग में आते हैं, शामिल करवाने वाले, नोटिफिकेशन जारी करवाने वाले, राजनीतिक लाभ के लिए या भाजपा और संघी किसी भी स्तर में गिर सकते हैं। और जिस तरह से ये बताया ना, मैंने तो कहा ईडी में तो चिन्हित कर 95% मामले दल के नेताओं पर लाने जा रहे हैं। आईटी की कार्रवाई जो सर्वे और छापे जो है विरोधी दल के लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, ये बताए कि भीमा मंडावी के परिजनों को कब न्याय मिलेगा, कब न्याय मिलेगा, कब न्याय मिलेगा। पठानकोट में हमला होता है, पाकिस्तान के कौन सा विपक्ष अभी भी इस बात को नहीं जान पाए कि 600 किलो आरडीएस कहां से आया, तो ये षड्यंत्रकारी है भाजपा। सुरेंद्र जी, एक इसी से जुड़ा एक सवाल का छोटा सा जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि निश्चित तौर पर चलिए आपकी पुलिस ने अरेस्टिंग भी की, अगर अरेस्टिंग सही होती और वाकई में वो लोग उसमें शामिल होते, आपको पता है उसमें बहुत सारे लोगों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसका ये मतलब तो है ना कहीं कि जांच में कहीं ना कहीं प्रशासन ने हील हवाला किया। आदित्य जी, न्यायालय यदि किसी अभियुक्त को जमानत देती है तो उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। देखिए ये प्रक्रिया है कानूनी, सीआरपीसी में देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं, सीआरपीसी में एक प्रक्रिया है, यदि आप संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय में सीधे परिवाद पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। धारा 164 के तहत आप अपना बयान दर्ज करवा सकते हैं, जिस पर कार्रवाई होगी तो उस पर ये केवल लफाजी कर रहे हैं, सड़कों पर बयानबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इनकी मंशा जो है संविधान और कानून के खिलाफ। लेकिन सुरेंद्र जी, जो चार्जशीट प्रस्तुत की गई होगी और जो वहां पर आपने एविडेंस दिया होगा पुलिस ने, उसी आधार पे तो कोर्ट बात करेगा। कह सकते हैं कि हत्या के, देखिए दो तरह के जमानत केस होते हैं, जमानती और गैर जमानती। गैर जमानती का यह मतलब नहीं होता आदित्य जी कि उसमें जमानत मिले ही ना। न्यायाधीश यदि संतुष्ट होता है किसी भी प्रकरण में, तो वो किसी भी परिस्थिति में वो मान्य कर सकता है जमानत का आवेदन। ठीक है चंद्रकांत साहब, सीबीआई जांच के कुछ निष्कर्ष निकलेगा ऐसा लगता है आपको? बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, अब तो कुछ बचा नहीं ऐसा लगता है, इसलिए कुछ आरोपियों को कोर्ट ने जमानत भी दे दी है। ऐसे में अब इतना समय जब बीत चुका है, सीबीआई आखिर क्या करेगी? चंद्रकांत साहब, देखिए सीबीआई का आज से नहीं, बहुत पहले से इसके ऊपर इनके जो कह सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह शुरू से रहा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सीबीआई जो है वो हर जगह असफल रहती है। गरियाबंद उमेश पाठक याद होगा आपको, माफ कीजिएगा, उमेश का नाम याद होगा, बिलासपुर के पत्रकार का आपको नाम याद होगा, क्या हुआ? जग्गी हत्याकांड आपको याद होगा, क्या हुआ? आपको बिलासपुर के जो एसपी रहे तत्कालीन, जिन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, उस मामले पर क्या हुआ आपको अभी तक याद होगा? मतलब सीबीआई छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा, उनका पॉजिटिव रेट नहीं है इन्वेस्टिगेशन का। जी चंद्रकांत साहब, कंप्लीट करेंगे। और तीसरी बात यह है कि विधि के शासन में, संविधान में अलग अलग धाराएं और अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों को न्याय पाने का अधिकार है। तो सरकार के तीसरे अंग के रूप में ऑनरेबल न्यायाधीश अगर यह महसूस करते हैं, उनको बोध होता है कि कुछ लोग निर्दोष हैं, उन्हें या फिर सबको यह बंदी प्रत्यक्षीकरण एक जो हमारे यहाँ व्यवस्था है उनके ऊपर चर्चा करें, तो सबको न्याय पाने का अधिकार है और इसके लिए और न्यायपालिका उन्हें जमानत भी दी है। लेकिन मूल बात यह है, तो मतलब यही माना जाए ना चिंता से, भावनाओं के आधार पर कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई उस समय। देखिए जहां कार्यपालिका की बात आती है तो भावनाएं जन कल्याण के लिए तो अवश्य होनी चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर कोई
एक केस के ऊपर है, ऐसा नहीं, समदृष्टि होना चाहिए क्योंकि अनेक तरह की अलग अलग रूपों में। चौहान साहब उम्मीद करें सीबीआई न्याय दिलवा पाएगी ईश्वर साहू को, क्योंकि उन्होंने अपना बच्चा खोया। ठीक है, आज वो विधायक बन गए, लेकिन आज भी वो घटना याद करते हैं तो उनके आंखों से पानी आंसू रुकता नहीं। चौहान साहब, न्याय मिलेगा माना जाए सीबीआई से? छोटा सा जवाब। पारदर्शिता आएगी न्याय में, पारदर्शिता आएगी छानबीन में, यही हम चाहते हैं। और जो दोषी हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम निष्पक्ष हैं। हम चाहते हैं कि जो दोषी है वो उनको कड़ी सी कड़ी सजा मिले, और जो न्याय जिसपे लोग टिके हुए हैं, जिनकी उम्मीदें हैं। आज हमारे साथ कभी गलत हो जाता है ना आदित्य जी, तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ भरोसा रहता है न्याय पे। आज अगर हमारा कोई ना हो तो भी एक गरीब आदमी को भी अपने संविधान पे, अपने न्याय पे भरोसा है, और वो न्याय के ऊपर भरोसा कायम रहे। इसी यही कोशिश के कारण सीबीआई की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले बीरनपुर एक बड़ा मुद्दा था निश्चित तौर पर। उस बीरनपुर की घटना ने भारतीय जनता पार्टी को आसपास की सभी विधानसभाओं में बढ़िया एज दिया। बेमेतरा की तीनों सीटें जो कांग्रेस के पक्ष में थी, वो तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गई। अब लोकसभा चुनाव है, मान के चलिए बीरनपुर की घटना में जिस प्रकार से सीबीआई जांच का ऐलान हुआ है, फिर से एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हो सकता है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।